Film Kashmir Files has been creating waves across the country and has also now sparked a political showdown. BJP and Congress are embroiled in a face-off over who is to be blamed for the exodus of Kashmiri Pandits in 1990. And now Prime Minister Narendra Modi has spoken out. The Prime Minister said that films like Kashmir Files should continue to be made and these films expose the truth. Taking a jibe at the Congress, the Prime Minister also said at the BJP Parliamentary Party meeting that those who tried to hide the truth for years are now protesting. The BJP, meanwhile, has responded, hitting back at the Congress and blaming the party for what happened to Kashmiri Pandits. The political war of words has been reignited by Vivek Agnihotri's film Kashmir Files, which has received rave reviews and has been hailed by the Pandit community. Mar dete. In dino aapne dekha hoga, Kashmir Files film ki charcha chal rahi hai. और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से. और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है. आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम. कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है. जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है. मैंने पिक्चर नहीं देखी. अगर मैं देखूंगा, अगर कश्मीरी पंडितों के लिए उसमें हमदर्दी है तो मैं पहली सप में होऊंगा, उसको मैं सपोर्ट करूंगा. कश्मीरी पंडितों के लिए दिल में दर्दमंदी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए. वो कश्मीर के पहले बाशिंदों में हैं. उनकी हमारी तारीख कश्मीर की रिकॉर्डेड 6000 साल की है, तो उसमें कश्मीरी पंडित शामिल हैं. 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, वहाँ पर 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है. जो लोग 370 को सुरक्षा कवच बना करके अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए थे, जो लोग 370 के सुरक्षा कवच बनाकर के कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म का काम में लगे हुए थे, ऐसी जो है वो खानदानी सियासत और पानदानी विरासत का बंटाधार हुआ है. झूठ पे झूठ हो रहा है. जिस सरकार में भाजपा भागीदार थी, वो सरकार के दौरान सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ. जिसमें बीजेपी हिस्सेदार थी, वो वीपी सिंह की सरकार भाजपा के साथ मिली हुई, तभी आप देखिए कश्मीर में सबसे ज्यादा कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ. आप तो प्रॉमिस दे के आए थे ला देंगे वापस. जिस तरह से सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कश्मीर को बर्बाद किया, कश्मीरियों को बर्बाद किया और कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा नुकसान किया. देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टेक्स्ट भी हर जगह करना चाहिए. और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई. उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके. बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने. इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को, छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में जूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए. इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं. इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ इनको? हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने का अकेला अटेम्प्ट नहीं है, वो मुसलमान वोट को खुश करने का भी अटेम्प्ट है. वो अपीजमेंट है. उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं करेंगे, उनको कैसे सुविधाएं मिले इसकी बात नहीं करेंगे, परंतु इस प्रकार के ट्वीट करेंगे कि नहीं नहीं कि कश्मीर में पंडित कम मरे थे, मुसलमान ज़्यादा मरे थे. और हालांकि सच सबको पता है कि किस प्रकार से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, रातों रात निकाला गया. और उसका सारा का सारा अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला है.